एक बैठक या ठिकाणी झाली, आम्ही काही मंत्री आणि जो जो 20-22 विविध क्षेत्रातले मान्यवर या बैठकीला उपस्थित होते। अनेक महत्त्वाच्या सूचना सर्व मान्यवरांनी त्या ठिकाणी दिल्या। शॉर्ट टर्म काय केलं पाहिजे, लॉंग टर्म काय केलं पाहिजे या संदर्भातले देखील अनेक मुद्दे त्या ठिकाणी आले आणि एक जॉईंट स्टेटमेंट हे देखील त्यात काढण्यात आलं आहे की या स्टेटमेंटमध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा देऊन राज्य सरकारनं कायदेशीर आणि टिकणारं आरक्षण हे लवकरात लवकर द्यावं अशा प्रकारचं आव्हान करण्यात आलं आहे आणि त्याचवेळी कुठल्याही आंदोलनामध्ये हिंसा होणार नाही किंवा कोणीही आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू नये अशा प्रकारचं आव्हान देखील या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। ज्या सूचना आल्या त्या अत्यंत मोलाच्या, त्याच्यावर राज्य सरकार निश्चितपणे काम करेल आणि यापूर्वी देखील राज्य सरकारनं आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात राज्य सरकार पूर्णपणे अनुकूल आहे, त्या संदर्भात कटिबद्ध आहे आणि त्याची कायदेशीर कारवाई आता अत्यंत वेगानं आम्ही पूर्ण करतो आहोत। त्यामुळे मला विश्वास आहे की कालबद्ध आणि निश्चित वेळेमध्ये आम्ही हे आरक्षण त्या ठिकाणी देऊ शकू आणि त्या माध्यमातून इतर जे प्रश्न आहे ते प्रश्न देखील आम्ही सोडवू शकू। मी आज सर्व विचारवंतांसमोर राज्य सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजना देखील सांगितल्या, त्यांनी देखील त्यातल्या काही त्रुटी सांगितल्या की ज्या बदलल्या पाहिजेत त्या देखील आम्ही नोंदवून घेतल्या आहेत आणि मला असं वाटतं की या सर्व विचारवंतांच्या आव्हानामुळे निश्चितच राज्यामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याकरता मोलाचं सहकार्य मिळेल। आज राज्य में जो मराठा समाज का आंदोलन चल रहा है उसके मद्देनज़र राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो मान्यवर है, जो विचारक है, इनके एक बैठक हमने ली। राज्य के अलग अलग भागों से बहुत महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में आए। कुल मिलाकर इसमें अलग अलग प्रकार के सुझाव भी आए किस प्रकार से हम लोग इस परिस्थिति में कार्य करें, किस प्रकार से समाज को आगे ले जाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या मेजर्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी बातचीत हुई और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इस समय साइन किया गया जिसमें मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए और कानूनन सही आरक्षण मिले इस दृष्टि से सरकार जल्द से जल्द प्रयास करे ऐसा भी आह्वान उन्होंने किया है। और साथ ही में जो आंदोलन हो रहे उन आंदोलनों में हिंसा न हो या कोई भी व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम न उठाए इसके लिए समाज को आह्वान इस माध्यम से किया गया है। राज्य सरकार ने बारंबार ये बात कही है कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार अनुकूल है और उसकी जो कानूनन कार्रवाई करनी पड़ रही है वो हम कर रहे हैं और उसको जितना शीघ्र हम कर पाएंगे उसका प्रयास राज्य सरकार करेगा। साथ ही में मराठा समाज के लिए अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं राज्य सरकार ने तैयार की उसकी जानकारी भी हमने दी है, उसमें उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को भी हमने माना है।